हे गाइस, तो आज हम करेंगे सीएसएस बैटल। और सीएसएस बैटल्स में हम लोग करेंगे बैटल सिक्स हैशटैग सिक्स कॉनिक। और हम लोग ये दोनों करेंगे, तो सबसे पहले 31 करेंगे, फिर 32 करेंगे। तो हम लोग यही करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये बैटल ये वाला ओपन कर लिया है, जो हैशटैग 31 है इक्वल्स। तो हम लोग ये वाला करेंगे। तो पहले मतलब मेरे को यहाँ पे दिख रहा, मतलब दो बस, ये बहुत इजी है। ये हम लोग क्या करेंगे, पहले जो बैकग्राउंड इसका चेंज कर देंगे। और यहाँ हमारे पास दो सर्कल है और दोनों को मतलब सेमी सर्कल कर दिया है, तो वैसा कुछ करने वाले हैं। और थोड़ा थोड़ा दोनों से अलग अलग कर, मतलब पैडिंग नहीं तो मार्जिन उनका वैसे सेट कर देंगे, तो वो वाला करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग है ना बॉडी दे देते हैं, और बॉडी पे यहाँ पे हम लोग ये बैकग्राउंड कॉपी करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ। फिर ये वाला कलर लेने वाला हूँ, तो ये वाला कलर हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड आ चुका है हमारा। और ये डिव जो मतलब दो डिव हो गए, तो यहाँ पे ये जो डिव है इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ, तो वो क्लास में इसको दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ सेमी डैश सर्कल 1। ठीक है, सेमी सर्कल 1 होगा हमारा ये। तो यही मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी। फिर यहाँ पे हम लोग ये निकाल दे देते हैं, फिर यहाँ पे बस एक डॉट डाल देते हैं। ठीक है, तो डॉट मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो हम लोग एक सर्कल बनाएंगे और उसको सेमी सर्कल करेंगे। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा ना मतलब साइज़ और विड्थ बढ़ा दूँगा, ताकि थोड़ा मतलब हाँ ठीक है, तो इतना बढ़ा देता हूँ मैं। और ये मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे मैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको करने के लिए पहले तो मैं इसको यहाँ पे पोजीशन जो है वो दे देता हूँ एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट मैं लिख देता हूँ एब्सोल्यूट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट लिख दिया मैंने, एब्सोल्यूट सेमी कोलन। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टॉप इसको दे दूँगा 50%, 50%। नहीं तो मैं टॉप और वो बाद में दे देता हूँ। पहले तो मैं इसको है ना पहले हम लोग क्या कर देते, थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं ना जो हाइट है वो हाँ तो इतना कर देता हूँ मैं, नहीं तो ये कर देता हूँ और इसको मैं कम कर देता हूँ, 200 ही रखते हैं। और फिर हम लोग वो क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस तक कर देंगे। तो बैकग्राउंड जो है वो पहले मैं मतलब ये वाला चाहिए हमको बैकग्राउंड, तो ये वाला कर देता हूँ, तो यहाँ पर डालता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड मैंने डाल दिया। और अभी हम लोग बॉर्डर रेडियस यूज़ कर देंगे, तो बॉर्डर डैश रेडियस। तो बॉर्डर ऐसे नहीं, हाँ बॉर्डर रेडियस, हाँ ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस ऐसे यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे मैं अगर मैं 150 पिक्सल्स देता हूँ, फिर यहाँ पे वापस 150 पिक्सल्स देता हूँ, तो यहाँ पे मैं और यहाँ पे मैं 0 और फिर 0 देता हूँ। ठीक है, 0 और 0। और फिर मैं इसको कॉमा मतलब सेमी कोलन डालता, फिर यहाँ पे हम लोग ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आता है, अगर मैं हाइट कम कर दूँ तो यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया है, इतना ही करना था। बस अभी क्या करना है, हम लोग को ट्रांसफॉर्म यूज़ कर लेते हैं हम लोग, तो ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म हम लोग यूज़ कर लेंगे, हाँ जो ट्रांसफॉर्म हम लोग यूज़ कर लेंगे ट्रांसलेट। ठीक है, तो ट्रांसलेट यूज़ करने वाले इसको हम लोग ये कर देते हैं, पहले सेमी कोलन डालते हैं। और फिर अगर मैं मतलब यहाँ पे नहीं, तो हम लोग ट्रांसलेट की जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं रोटेट। रोटेट एक अच्छा आइडिया होगा, तो रोटेट यूज़ करते हैं, रोटेट। ठीक है, तो रोटेट, और यहाँ पे मैं रोटेट के यहाँ पे लिख दूंगा 25 डिग्रीज। ठीक है, तो 25 डिग्रीज नहीं चाहिए, तो माइनस, हाँ तो माइनस में हम लोग को चाहिए होगा 100, 100। ठीक है, 100 भी नहीं होगा, 60, 60, 90। ठीक है, तो 90 एकदम प्रॉपर है। और वैसे ही अगर मैं हम लोग मतलब यहाँ पे डाल दूंगा मार्जिन, मार्जिन
और यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देंगे तो हम लोग का मतलब पूरा मतलब एक ही बस इसको ऐसे करना था और ये हमारा हो गया है। तो मार्जिन टॉप अगर मैं 30 पिक्सल देता हूँ, नहीं तो 50 पिक्सल देता हूँ। 100, 2 मिनट, 100 चेक करते हैं। 100 तो नहीं है लेकिन हम लोग 90, ठीक है 90 लग रहा है, 90 है एक्चुअली। और यहाँ पे अभी बस सेमी कोलन डालते हैं और अभी कुछ नहीं करना, अभी बस यहाँ पे मार्जिन डैश लेफ्ट ले लेना है। और यहाँ पे हम लोग बस 20 पिक्सल्स, ठीक है यहाँ पे देखो 20 पिक्सल एकदम प्रॉपर आ गया है और हम लोग ने मतलब इतना कर लिया तो पूरा तो बन ही चुका है हमारा। और यहाँ पे बस हम लोग क्या करेंगे, अभी सेमी सर्कल वन कर दिया तो वही मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। फिर यहाँ पे इसको टू कर देंगे, फिर इसको वापस कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, पता नहीं मैंने, हाँ ठीक है पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे ये डाल देते हैं और फिर मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे इसको ना 90 डिग्री माइनस किया है तो इसको मैं प्लस कर दूंगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया है और यहाँ पे मैं लेफ्ट 90, 90 नहीं 100, 100 भी नहीं होगा, 400, 400 ज़्यादा हो गया, मतलब 400 भी नहीं 200, ठीक है। तो देखो 200 हमारा प्रॉपर आ चुका है 200। पहले हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं इसका, तो बैकग्राउंड इसका हम लोग रख देंगे ये, और मेरे को लग रहा है मतलब ज़्यादा स्पेस है इसमें तो स्पेस के लिए तो हम लोग इसको जो मार्जिन लेफ्ट है उसको ले लेंगे और 90 कर देंगे। तो 90 भी 90, 90 नहीं है, और यहाँ पे मतलब 80 कर देते हैं, ठीक है। तो 80 मेरे को एकदम लग रहा है और यहाँ पे देखो अगर मैं इस पे ये लेके भी जा रहा हूँ तो एकदम प्रॉपर आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग इतना मतलब हम लोग ने ये इतना कर लिया है तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको सबमिट वाले बटन पे दबा देते हैं क्योंकि एकदम प्रॉपर लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे मैं सबमिट दबा देता हूँ तो हमारा स्कोर आ चुका है और हमारा स्कोर है 500.313। यहाँ पे देखो हमारा ये स्कोर आ चुका है और हम लोग ने इतना स्कोर कर लिया है। तो अभी हम लोग ने ये कर लिया तो अभी हम लोग कर लेते हैं 32 कर लेते हैं ये, ठीक है। तो 32 मैं पहुंच गया हूँ और ये भी एकदम इजी है फर्स्ट वाले की तरह। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे, ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाऊँगा मैं और इसको मैं बॉडी पे, बॉडी ओपन कर दो और बॉडी पे यहाँ पे बस हम लोग ये कलर डाल देंगे, नहीं तो मतलब वाइट ही कलर है बस, लेकिन हेक्स में दिया तो अगर कोई डिफरेंस होगा ही तो मतलब वो आ जाएगा, तो डिफरेंस नहीं था लेकिन तो भी डाल के रख देते हम लोग। और फिर मैं क्या करूँगा, हम मतलब मैं जो मतलब देख सकता हूँ कि यहाँ पे ना मतलब एक ये ए मतलब एक मतलब चार मतलब चार ही उसकी हुए हैं, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है और पांचवा भी है, तो पांचवा ये है। तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले तो मतलब तीन बनाने होंगे, चार बनाने होंगे डिव्स। तो पहले तो यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ, नहीं तो मैं क्या करूँगा, जो सेंटर वाला है उसको पहले कर दूंगा ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ और क्लास इक्वल टू कर देता हूँ हम लोग सेंटर, ठीक है सेंटर रख देता हूँ मैं और डॉट सेंटर। फिर सेंटर पे मैं इसका कलर दे देता हूँ, तो ये वाला कलर है तो ये कलर जाएगा यहाँ पे। और इसको हम लोग को क्या करना है, मतलब अभी यहाँ पे ऐसे स्क्वायर है, पहले तो हम लोग इसका हाइट और साइज मतलब जो साइज है वो कम कर देंगे, 50 नहीं 60, 80, ठीक है। तो 80 भी नहीं मतलब 60 हो जाएगा, तो चेक करते रहते हैं हम लोग 60, मेरे को लगता है 60 है। तो हम लोग पहले यहाँ पर डाल देते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन ले लेंगे। तो मार्जिन डैश टॉप उसको ले लूँगा मैं 100 पिक्सल्स, पिक्सल 100 पिक्सल पे है कि नहीं, शायद 20 पे, ठीक है। तो 20 पे मुझे लग रहा है और यहाँ पे सेमी कोलन डालते हैं, फिर मार्जिन हम लोग कर देते हैं मार्जिन, उसको हम लोग कर देते हैं लेफ्ट और मार्जिन लेफ्ट मैं दे दूंगा 100, नहीं तो 100 तो नहीं है लेकिन 5 150 देते हैं, ठीक है। तो 150
160 भी नहीं लग रहा, 170 देखते हैं। ये तो 170 लग रहा है मुझे। और यहाँ पे पिक्चर डालते हैं, फिर कॉलम डाल देते हैं, मतलब सेमी कॉलम डालते हैं। अब यहाँ पे क्या मेन पार्ट क्या आता है जो हम लोग का, मतलब ये ऐसा स्क्वायर नहीं है, ये क्या होगा, मतलब एक डायमंड शेप का है। तो डायमंड शेप हम लोग करेंगे कैसे, तो वही हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे ट्रांसलेट, तो सॉरी ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं वही करूँगा, मतलब जो पहले किया है वो रोटेट किया है, तो यहाँ पे हम लोग रोटेट यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं रोटेट डाल देता हूँ, तो रोटेट हम लोग डाल देते हैं 22 डिग्रीज। तो अगर मैं माइनस करता हूँ और 20 करता हूँ, तो यहाँ पे देखो 20 तो नहीं है, तो 30 करके देखते हैं। 30 भी नहीं है, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 50 हमारा डायमंड शेप आ गया और एकदम प्रॉपर लग रहा है। ऐसे डायमंड शेप हम लोग वो लोग ने मतलब इसमें ऐसे बनाया होगा ट्रांसफॉर्म रोटेट करके। तो यहाँ पे हम लोग ने ये कर लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी बाकी के ये जो चार डिव्स है वो भी इजी है, उसको बस हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पर डालते हैं। तो सेंटर की जगह हम लोग कर देते हैं ये वाला कलर है, तो इसको अभी के लिए हम लोग ले लेते हैं बैंडेज है ये, तो हम लोग बैंड डैश वन, ठीक है। तो बैंड डैश वन ये हो जाएगा, बैंड डैश टू ये, बैंड डैश थ्री और बैंड डैश फोर ये, नहीं तो ऐसे ही हम लोग 1 2 3 4 कर लेंगे। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे डॉट बैंड डैश वन लिखता हूँ। फिर अभी हम लोग बैंड वन के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले तो ये कॉपी कर लेते हैं और इसको बैकग्राउंड दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको हाइट दे देते हैं, हाइट, फिर हाइट 330 नहीं, हम लोग पहले तो इसको विड्थ देते हैं, तो यहाँ पे मैं विड्थ भी देता हूँ, सेमी कोलन, फिर विड्थ हम लोग 40 पिक्सल नहीं, 40 तो बहुत कम हो गया, हम लोग है ना 100 देते हैं। तो 100 अभी हम लोग पहले चेक कर लेंगे, लेकिन उसके पहले 100, हाँ ठीक है। तो ये ऐसा कुछ लग रहा है, और पिक्सल डालते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी पिक्सल मैंने नहीं डाला है। फिर यहाँ पे सेमीकोलन, अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम लोग मार्जिन जो देंगे वो जाएगा हमारा मार्जिन डैश टॉप, उसको मैं दे दूँगा 330 नहीं, -70, ठीक है। तो -70 दे दिया, नहीं तो -80, हाँ, और 80 पिक्सल्स, सेमीकोलन, फिर मार्जिन डैश लेफ्ट, तो मार्जिन लेफ्ट जो हो जाएगा वो हमारा बस 30 पिक्सल्स नहीं तो 50 पिक्सल। तो इसको भी हम लोग को बस यही करना है। और इसी के साथ मतलब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रोटेट ही करना होगा हमको, तो उतना ही मैं रोटेट करता हूँ, तो ये माइनस में नहीं प्लस में करता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ 60 नहीं 30 भी नहीं 40, ठीक है। तो 40 मेरे को लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग है ना इसको जो लेफ्ट है वो ज़्यादा दे देते हैं, तो लेफ्ट हम लोग इसको पहले ना इसको मार्जिन टॉप 70 करते हैं, सॉरी 80 रखते हैं, 90 करते हैं, और इसका जो लेफ्ट है वो हो जाएगा भी 90 नहीं तो और 100, फिर 20, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 कर देंगे, तो यहाँ पे देखो एकदम प्रॉपर आ रहा है। लेकिन और एक प्रॉब्लम है, इसको हम लोग ने यहाँ पे मतलब ये कर लिया है, तो टॉप चेंज करते हैं तो कुछ होता है, ओके नहीं हो रहा। तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को मतलब यहाँ पे जो इसको मतलब ये करना होगा, ट्रांसफॉर्म करके निकालना होगा। तो ट्रांसफॉर्म हम लोग यूज़ कर लेंगे ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट यहाँ पे ट्रांसलेट के यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ट्रांसलेट के साथ मैंने चेक किया तो ट्रांसलेट के साथ तो नहीं होगा। हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग है ना सबसे पहले तो इसको है ना मतलब थोड़ा है ना 80 नहीं तो
ठीक है 120, ठीक है 120 नहीं तो हाँ 125, ठीक है तो ये वाला डाल देते। और इसी को मतलब मैं अगर टॉप मतलब ये कर दूंगा तो यहाँ पे मतलब कम कर दूंगा, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे मतलब ऐसे वापस ट्राई कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा। पहले तो मैं ना ट्रांसफॉर्म निकाल देता हूँ और हाइट है ना 100 कर देते हैं और विड्थ हम लोग 50 कर देते हैं, तो मतलब कुछ ऐसे स्टैंडिंग हो गया। और अगर मैं मतलब यहाँ पे टॉप टॉप तो हम लोग कम कर देते हैं जैसे कि 20 50, ओके कम मतलब 200, 200 ज़्यादा हो गया 150, ठीक है तो 150 मेरे को लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बस यहाँ पे इसको ज़्यादा डाल देंगे 100 नहीं तो 150, ठीक है तो 150 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इतना कर लिया, अभी ये कैसे होगा, मैं इसको ट्रांसफॉर्म पहले कर लूँगा। ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हम लोग दे देते हैं इसको ट्रांसलेट, सॉरी ट्रांसलेट नहीं रोटेट, सॉरी रोटेट, और रोटेट हम लोग दे देंगे इसको 25, मैं 25 डिग्रीज दे के देखता हूँ उल्टा हो रहा है, ओके हम लोग दे देते हैं इसको 60, ठीक है 60 60, हाँ तो ये कुछ ऐसे आता है। और पहले हम लोग है ना इसको 50 देते हैं, 50 दे देते हैं। और यहाँ पे हम लोग है ना इसको बस यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग इसको अगर 20 करते हैं तो यहाँ पे देखो ये ऐसा आ जाता है, 20 रखते हैं तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बस अगर मैं हाइट विड्थ बढ़ा लूँ इसका 60 कर दूँ, और इसको भी यहाँ पे मैं मतलब 120, यहाँ पे हम लोग है ना इसका विड्थ बढ़ा दिया मैंने, और इसको हम लोग यहाँ पे 70 नहीं 120, ठीक है तो ये दे देते हैं। और यही हम लोग मतलब मैं क्या कर लूँगा इसको थोड़ा ये ऊपर कर लूँगा, तो देखो 30 कर दिया तो ऐसा कुछ आता है, और अगर मैं 40 करता हूँ तो ये कुछ ऐसा आ जाता है। और यहाँ पे हम लोग बस हम लोग कर देते 130, तो 130 कुछ ऐसा आ जाएगा 130, लेकिन नहीं तो मैं -50 रख दूँगा, लेकिन -50 रख दूँगा, बस इसको उधर अटैच कर दूँगा मतलब टॉप इसका हम लोग बढ़ाते हैं पहले 10, 10 भी नहीं हम लोग कर देते इसको 80, ठीक है तो 80 हम लोग कर देते इसको। और यहाँ पे मैं इसको बस अभी लेफ्ट इसका मैं ज़्यादा कर दूंगा, मैंने कम कर दिया, इसको हम लोग कर देते 200, ठीक है तो 200 इतना आ गया, और 200 मतलब ऐसा ही है। और जो इसका मतलब टॉप है उसको हम लोग है ना 30 करके देखते हैं 30, तो देखो 30 में को एकदम ये हो रहा है, और इसको हम लोग बढ़ा देंगे, और इसका हम लोग टॉप 0 नहीं तो माइनस, ये -30, और इसको मैं कर दूंगा मार्जिन लेफ्ट 60 30 40 50, ये तो 190 कर देते हैं, और 190 से बस इसको हम लोग फिर यहाँ पे अगर मैं हम लोग जो ये है हम लोग उसको अगर मतलब मार्जिन टॉप को 0 कर दो और मार्जिन लेफ्ट को 230 कर दो तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाता है। हाँ ये थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन हम लोग ये कंप्लीट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, मतलब ये इतना कर लिया तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, ठीक है यहाँ पे 2 बार पेस्ट कर दिया, हाँ ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा बैंड 4 और ये बैंड 3, ठीक है अब सॉरी यहाँ पे पहले बैंड 2 करते हैं, और यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ बैंड 3, ठीक है अभी इसी को मैं कॉपी करता हूँ बैंड 2 और 1 को, और इसको हम लोग पेस्ट करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 4, इसको हम लोग कर देते हैं 3, ठीक है तो ये ऐसा आता है। अभी हम लोग को बस क्या करना है, रोटेट कर देना है इनको, तो इसको मैं ये कर दूंगा और इसको भी ये कर दूंगा, ठीक
ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं इसको ऊपर ला देते हैं। तो मार्जिन टॉप इसका मैं बैंड फॉर ये है, तो मार्जिन टॉप इसका मैं -50 50 नहीं तो -100 150 ठीक। तो 150 देखो, 150 एकदम ये आ रहा है। और अगर मैं इसको 60 करता हूँ, नहीं तो इसको मैं 40 करता हूँ, तो देखो यहाँ पे। और इसको हम लोग जो टॉप है उसको मैं 45 करता हूँ, ठीक है। तो अगर फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने -1 जो टॉप है -160 किया और 120 किया, तो यहाँ पे देखो एकदम प्रॉपर आ गया है। और मतलब ये एकदम इसकी तरह नहीं दिखने वाला, लेकिन ये थोड़ा अच्छा, मतलब एकदम प्रॉपर नहीं दिखेगा, लेकिन हम लोग ये कंप्लीट मतलब कर देते हैं सबमिट। और पहले इसको हम लोग ये वाले इसको कर देते हैं, तो इसको भी मैं 40 कर देता हूँ, इसको 40 किया, हाँ तो इसको भी 40 कर देते हैं हम लोग। और ये जो टॉप है उसको मैं 100 100, और मेरे को फिर वापस ये करना होगा बैंड 4 को। मैंने मतलब गलती से बैंड 4 से चालू कर दिया, एक्चुअली बैंड 3 से चालू करेंगे तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे हम लोग मार्जिन लेफ्ट को यहाँ पे और टॉप को 20 देते हैं, टॉप को 60, नहीं तो हम लोग -50 50 ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने -80 टॉप कर दिया और माइनस माइनस नहीं माइनस जो मार्जिन लेफ्ट है वो 125 कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये आ गया। और इसी को हम लोग फिर इसको करना होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और जो टॉप है उसको पहले हम लोग 200 कर दे, यहाँ पे देखो 200 कर दिया, तो अपने आप बराबर आ गया है। और ये कुछ ऐसा बैंडेड है हमारा। और हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको कलर दे देंगे और फिर हम लोग चेक कर लेंगे हमारा ये राइट हुआ है कि नहीं। यहाँ देखो कलर मैंने इसको दे दिया, फिर इसको ही यहाँ पे कलर दे देता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने दे दिया है। अब ये वाला बैंडेड हमारा हो गया, तो अभी हम लोग क्या करते हैं सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबमिट किया और हमारा स्कोर है 439.33, और हम लोग ने फोर था तो विथ 92.1% मैच, तो थोड़ा ही बाकी था हमारा शायद, मेरे को लगता है साइज की वजह से, लेकिन आज हम लोग ने इतना कर लिया है। और फिर ऐसे ही CSS की वीडियोस मैं बनाते रहूँगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।